नमस्कार, माँ गायत्री महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एशिया में साम्राज्यवाद और इससे पहले हम ने जो पढ़ा है साम्राज्यवाद के प्रसार के क्या कारण रहे। एशिया में साम्राज्यवाद वो किस रूप में हुआ, उसके बाद एशिया में साम्राज्यवाद पढ़ने के बाद अफ्रीका में साम्राज्यवाद किस प्रकार से पनपा, अफ्रीका में साम्राज्यवाद इससे पहले हमने एशिया में साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद प्रसार के कारण के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। अफ्रीका में साम्राज्यवाद की क्या विशेषताएं रही, वहाँ पर क्यों जो है साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ, 1850 ईस्वी से पहले यूरोप में अफ्रीका के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं थी 1850 से पहले। 1850 से पूर्व यूरोप में अफ्रीका के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं थी 1850 से पहले। उसे अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता था। अब किसको कहा जाता था, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है उसे, अंधकारमय महाद्वीप भी कहा जाता था क्योंकि इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी, इस वजह से इसको जो है अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता था। यूरोपीय राज्यों ने केवल उसके तटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार जमा रखा था। अफ्रीका के 90% भाग पर यूरोप का आधिपत्य नहीं था, लेकिन 1850 से 1890 के बीच साहसी खोजकर्ताओं ने अफ्रीका के आंतरिक प्रदेशों की जानकारी प्राप्त कर ली 1850 से 1890 के बीच में। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, इन देशों ने अफ्रीका के विभिन्न भागों में ये छीना झपटी में शामिल हो गए। 40 वर्ष की अवधि में अबिसिनिया और लाइबेरिया को छोड़ करके संपूर्ण अफ्रीका यूरोपीय राज्यों द्वारा आपस में बांट लिया गया। अफ्रीका के इस बंटवारे में इसके कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। सबसे पहले अफ्रीका का बंटवारा बिना किसी संघर्ष के हो गया। बंटवारे को लेकर के विभिन्न राष्ट्रों के बीच तनाव पैदा हुआ, संघर्ष की संभावना दिखाई देने लगी, लेकिन इन समस्त संकटों का समाधान कूटनीति से हो गया और संघर्ष का खतरा टल गया। फिर यह बंटवारा काफ़ी शीघ्रता से हुआ। केवल 25-30 वर्षों की अवधि में इतना बड़ा और महत्वपूर्ण काम संपन्न हो गया। इसका प्रमुख कारण ये था कि इस समय जर्मनी और इटली जो नए जो राज्य थे साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के मैदान में कूद पड़े थे, जो शीघ्रता शीघ्र जो है अपने साम्राज्य स्थापित कर लेना चाहते थे। इन नवोदित राज्यों को देख करके ब्रिटेन और फ्रांस जैसे साम्राज्यवादी जो शक्तियाँ थीं ये भी चौकन्नी हो गई और वह जल्दी से ही जो है अधिक से अधिक
हथियार ये क्षेत्र को हथियाने का प्रयत्न करने लगे। इस कारण से अफ्रीका का बंटवारा तेजी से संपन्न हो सका। और इसके अलावा जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बंटवारे का वहाँ के स्थानीय शासक सरदारों ने विरोध नहीं किया, इसलिए यूरोपीय देशों ने वहाँ बड़ी आसानी से अपने उपनिवेश बना लिए। अफ्रीका के आदिवासियों के सरदार अशिक्षित होने के साथ साथ सीधे साधे और भोले भाले थे। वे संधि समझौते को महत्व नहीं समझते थे। शराब की कुछ बोतलों और चमकते हुए कुछ भड़कीले उपहारों के बदले में वे अपनी भूमि यूरोपियों को हाथों सौंप देते थे। वे ऐसी संधि पर हस्ताक्षर कर देते थे जिसे वे स्वयं भी नहीं समझ पाते थे। वास्तव में वे इतने असहाय और शक्तिहीन थे कि पेरिस या लंदन में बैठकर के साम्राज्यवादी उनके प्रदेशों को मानचित्र में ही बांट लेते थे और उन्हें इसका पता भी नहीं चलता था। तो इस प्रकार से जो अफ्रीका कुछ सालों पहले तक अज्ञात था वह अब भूखे साम्राज्यवादियों का शिकार बन गया। और 1890 तक आते आते जो है यूरोप के सभ्य देशों ने, जो यूरोप के जो सभ्य देश थे, उन्होंने अफ्रीका को आपस में बांट लिया। विश्व राजनीति के रंगमंच पर नया साम्राज्यवाद अपने नग्न रूप में उपस्थित हुआ। इसी के साथ जो है जब अफ्रीका की खोज हुई कि जैसा कि बताया जाता है कि कुछ साहसी जो खोजकर्ता थे उन्होंने अनेक बाधाओं का सामना करते हुए अफ्रीका के आंतरिक भागों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली। इसके संबंध में लिविंगस्टन, स्टैनली, बेकर, स्प्री, ग्रांट, बार्थ, बॉगले, ये इनके नाम जो है सामने आते हैं। इन्होंने सहारा सूडान के भागों की खोज की और बेकर, स्प्री, ग्रांट, इन्होंने जो है बड़ी झीलों के आसपास के क्षेत्रों का पता लगाया और लिविंगस्टन ने ये जामवेजी नदी के मार्ग के द्वारा यात्रा कर विक्टोरिया और न्याजा झीलों का पता लगाया और 1840 से 1873 के बीच मध्य अफ्रीका के समस्त प्रदेशों को छीन लिया गया। एक बार वह मार्ग भटककर सघन वनों में खो गया, अतः उसकी खोज के लिए 1874 में हेनरी मार्टिन स्टैनली को भेजा गया और उसने जो है कांगो नदी की घाटी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र की खोज की। और स्वदेश आने के बाद ये थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट नामक एक पुस्तक लिखी उसने, जिसमें मध्य अफ्रीका के प्रचुर प्राकृतिक साधनों का उल्लेख किया गया। और 1888 में एक अंग्रेज खोजकर्ता स्प्रीक ने एक झील का पता लगाया। इन भ्रमणों से विभिन्न देशों के लोगों को अफ्रीका के अंदर के दलदली भाग, जंगल, झीलें, नदियां, निवासी, इनके संबंध में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद फिर अफ्रीका का बंटवारा हुआ। अफ्रीका का बंटवारा ये यूरोपीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना रही है। अफ्रीका में प्रवेश करने का प्रथम प्रयास जो है बेल्जियम के शासक वो लियोपोल्ड द्वितीय ने किया। अफ्रीका में प्रवेश करने का प्रथम प्रयास प्रथम प्रयास किया बेल्जियम के शासक, लियोपोल्ड द्वितीय। उसने उसके मन में लिविंगस्टन और स्टैनली की खोज से लाभ उठाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई और 1876 में उसने अफ्रीका के अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने और वहाँ सभ्यता का प्रकाश फैलाने के लिए अपनी राजधानी ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में मध्य अफ्रीका में खोज और सभ्यता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की उसने, जिसका अध्यक्ष लियोपोल्ड स्वयं बना। और यह भी निश्चय किया गया कि प्रत्येक यूरोपीय राज्य में इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की शाखाएं और समितियां गठित की जाए। लेकिन शीघ्र शीघ्र जो है
इस संस्था का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप वो समाप्त हो गया और प्रत्येक देश अपने ही लिए अफ्रीका में अधिक से अधिक प्रदेश हथियाने का प्रयास करने लगा। उसके बाद कांगो की लूट खसोट शुरू हुई। लियोपोल्ड ने अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन सभा की ओर से स्टेनली को कांगो क्षेत्र में खोज कार्य के लिए नियुक्त किया। स्टेनली 1879 से 1882 तक ये कांगो प्रदेश में रहा और उसने वहाँ रहने वाले कबीलों के निग्रो सरदारों को फुसला करके, डरा धमका करके अंतर्राष्ट्रीय संस्था का संरक्षण स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया। 3-4 वर्ष की अवधि में उसने निग्रो सरदारों से लगभग 400 संधियां की और इस प्रकार अफ्रीका का एक विशाल प्रदेश जो है वह लियोपोल्ड के संरक्षण में चला गया। स्टेनली की गतिविधियों को देखते हुए फ्रांस ने भी कांगो के दक्षिणी किनारे पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और इसी समय जो है पुर्तगाल ने भी कांगो के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। फरवरी 1884 में पुर्तगाल और इंग्लैंड के बीच एक समझौता हुआ। इसके अनुसार ब्रिटेन ने कांगो नदी के मुहाने पर पुर्तगाल का अधिकार स्वीकार किया और लियोपोल्ड ने इस समझौते का विरोध किया क्योंकि इसे कांगो फ्री स्टेट का समुद्र तट से संबंधी विच्छेद, ये संधि विच्छेद हो गया और फ्रांस ने भी जो है इस समझौते को अमान्य घोषित कर दिया। इस समय दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के समुद्र तट पर स्थित एग्री पैक्विना और इन पर जो है जर्मनी का अधिकार को लेकर के ब्रिटेन और जर्मनी के आपसी संबंधों में तनाव पैदा हो रहा था तो बिस्मार्क ने फ्रांस और बेल्जियम का समर्थन किया। उसके बाद फिर बर्लिन सम्मेलन हुआ तो बर्लिन सम्मेलन हुआ ये 1884-85 में। बर्लिन सम्मेलन जर्मनी ने कांगो की समस्या और अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। बर्लिन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है ये। 1884 में बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और नवंबर 1884 से शुरू होकर के फरवरी 1885 में समाप्त हुआ। इसमें स्विट्जरलैंड को छोड़ करके सभी यूरोपीय राज्यों के प्रतिनिधि और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने एक साधारण अधिनियम पर हस्ताक्षर किए जिसे बर्लिन एक्ट कहा जाता है और इस एक्ट के में जो है मुख्य मुख्य बातें शामिल की गई। क्या बातें शामिल की गई कि कांगो फ्री स्टेट जिसमें कांगो नदी घाटी का अधिकांश भाग सम्मिलित था इस पर अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन सभा का अधिकार मान लिया गया। दूसरी बात, कांगो नदी घाटी में सभी राज्यों को व्यापार और नौ संचालन की स्वतंत्रता दे दी गई। तीसरी बात, कांगो नदी के यातायात और व्यापार संबंधी नियमों का पालन कराने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाया गया और चौथी समझौता यह हुआ कि नाइजर नदी के संबंध में यह तय किया गया कि उसके ऊपरी भाग पर ब्रिटेन और निचले भाग पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। और पांचवा समझौता यह हुआ कि अफ्रीका के भावी बंटवारे के संबंध में निर्णय लिया गया कि किसी भी प्रदेश पर किसी राज्य का अधिकार तभी स्वीकार किया जाएगा जबकि उस क्षेत्र पर उसका वास्तविक अधिकार होगा और इसके साथ ही ये भी आवश्यक हो गया कि उसे साम्राज्य में शामिल करने से पहले अन्य राष्ट्रों को इसकी सूचना देनी होगी। ये बर्लिन सम्मेलन की मुख्य बातें रही। उसके बाद मिस्र यह उत्तरी पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र है यह मिस्र और यहाँ के निवासी अरब हैं। 1517 में तुर्की के ओटोमन साम्राज्य ने इस पर अधिकार कर लिया था लेकिन उसने मिस्र के स्थानीय शासक जिसे खदीव कहा जाता था इसको सियासन पर बने रहने दिया और आंतरिक शासन में काफ़ी स्वतंत्रता दे रखी थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक ओटोमन साम्राज्य इतना निर्मल हो गया था कि दूरस्थ मिस्र पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाया तो इसी समय जो है मिस्र यूरोपीय साम्राज्यवादियों के जाल में फंसने लगा और 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। तब इंग्लैंड ने रूस और ऑटोमन साम्राज्य से मिलकर के नेपोलियन को मिस्र से बाहर निकाल दिया लेकिन इससे इंग्लैंड को अपने भारतीय साम्राज्य की चिंता सताने लगी। उसने पश्चिमी एशिया में अपने सैनिक हवाई अड्डे स्थापित करना शुरू कर दिया। 1854 में फ्रांस के एक इंजीनियर फर्डिनेंट डी लेसेप्स इसने जो है खारी झील और तिमाश झील में होते हुए स्वेज की खाड़ी में भूमध्य सागर तक सीधा नहर का रास्ता निकालने का सुझाव दिया। मिस्र के खदीस सईद पाशा ने स्वेज नहर की योजना स्वीकार कर ली और योजना के अनुसार नहर निर्माण का संपूर्ण व्यय
फ्रांस की नए निर्माण कंपनी उठाएगी। कंपनी को स्वेज नहर पर 99 वर्ष का अधिकार दिया गया और कुल लाभ का 15% हिस्सा जो है मिस्र सरकार द्वारा नहर निर्माण में लगाई जाने वाली पूंजी पर ब्याज और उस पूंजी का लाभांश मिस्र सरकार को देना स्वीकार किया। 1859 में नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ शुरू ये पूरा हो गया शुरू हुआ और 1869 में 103 मील लंबी नहर बनकर के तैयार हो गई स्वेज नहर। 1863 में सईद पाशा की मृत्यु के बाद इस्माइल पाशा मिस्र का शासक बना और उसके शासनकाल में मिस्र कर्जी के सागर में डूब गया। इंग्लैंड ने स्वेज नहर में मिस्र के खदीव के हिस्से खरीद लिए और मिस्र की राजनीति में इंग्लैंड की दिलचस्पी यहीं से शुरू हो गई। 1880 में मिस्र के खदीव ने कंपनी से प्राप्त होने वाले 15% लाभ को हमेशा के लिए फ्रांस को हस्तांतरित कर दिया। अब स्वेज नहर के दो हिस्सेदार रह गए, एक तो फ्रांस और एक इंग्लैंड। तो स्वेज नहर के हिस्से और लाभांश बेच देने के बाद इस्माइल पाशा की आर्थिक स्थिति वो उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। वह इंग्लैंड और फ्रांस के बेशुमार ऋण लेता रहा और उसने ये कर्ज अपने राज्यों के टैक्स को जमानत पर रख कर लिया। अब फ्रांस और इंग्लैंड ने टैक्सों की वसूली के लिए अपने कर्मचारी वहाँ पर नियुक्त कर दिए। जब इस्माइल पाशा ने इसका विरोध किया तो इंग्लैंड और फ्रांस ने ओटोमन सुल्तान पर दबाव डाल करके इस्माइल पाशा को गद्दी से हटा दिया। तब उसके पुत्र तौफिक पाशा को खदीव बना दिया। इस प्रकार मिस्र में दोहरा शासन स्थापित हो गया। अब अरबी पाशा का राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ। फिर वहीं से द्वैत शासन से मिस्र की व्यवस्था जो है वो बहुत बिगड़ गई और लोगों पर करों का बोझ बढ़ गया। सैनिकों को कई महीने तक वेतन नहीं मिला। इससे मिस्र में काफ़ी असंतोष फैल गया। इसके फलस्वरूप यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक देशव्यापी आंदोलन वहाँ पर खड़ा हुआ जिसका नेता था अरबी पाशा और उसने एक संवैधानिक सरकार की मांग की और नए खदीव को आंदोलनकारियों के सामने झुकना पड़ा। उसने वादा किया कि वह मिस्र को साम्राज्यवादियों के प्रभाव से मुक्त कराने का प्रयास करेगा। मिस्र में अरबी पाशा के प्रभाव से एक नवीन जागृति पैदा हुई और ब्रिटेन ने मिस्र की इन जागृति को दबाने का निश्चय किया। ब्रिटेन ने फ्रांस के सहयोग की प्रार्थना की लेकिन फ्रांस तैयार नहीं हुआ। तो ब्रिटेन ने अकेले ही जो है अरबी पाशा के आंदोलन को कुचलने का निश्चय किया। उसने पोर्ट सईद पर अधिकार कर नहर पर अपना शासन स्थापित कर लिया और तेल अल कबीर के युद्ध में अरबी पाशा बुरी तरह से हार गया। इस प्रकार 1882 से मिस्र के शासन पर ब्रिटेन का पूरी तरह से अधिकार हो गया और तौफीक पाशा नाम मात्र का शासक बना रह गया। उसके बाद फिर सूडान की समस्या पैदा हुई। सूडान यह मिस्र के अधीन था तो मिस्र पर अधिकार हो जाने के बाद सूडान का इंग्लैंड के अधीन होना स्वाभाविक था। लेकिन 1881 में मोहम्मद अहमद नामक व्यक्ति के नेतृत्व में सूडानियों ने विद्रोह कर दिया और इंग्लैंड ने विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल हिक्स को वहाँ पर भेजा लेकिन वह पराजित हो गया। तब गार्डन को वहाँ से अंग्रेज सैनिकों को वापस लाने के लिए भेजा गया और गार्डन ने आदेश के विपरीत विद्रोहियों का दमन करने का निश्चय कर लिया। लेकिन मोहम्मद अहमद ने खारतुम में गार्डन को उसकी सेना सहित घेर लिया और गार्डन की सहायता के लिए एक नई सेना भेजी गई लेकिन उसके पहुंचने के पूर्व ही फरवरी 1885 में यह मोहम्मद अहमद ने गार्डन की हत्या कर सूडान पर अधिकार कर लिया। इससे ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। फिर भी उसने कुछ समय के लिए सूडान की पुनर्विजय का काम स्थापित कर दिया। मोहम्मद अहमद जिसे मेहंदी भी कहते हैं, इसकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने सूडान को जीतने का निश्चय किया क्योंकि इस समय फ्रांस भी इस क्षेत्र को हथियाना चाहता था और 1898 में अंग्रेज़ों ने सूडान पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। ये सूडान की समस्या। उसके बाद ये पेशोदा की घटना घटित हुई। अंग्रेज़ों का अधिकृत प्रदेश के उत्तर दक्षिण में और फ्रांस वालों के अधिकृत क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में ये यशोदा क्षेत्र स्थित है। फेशोदा ये इंग्लैंड और फ्रांस दोनों इसको जो है अधिकार में करना चाहते थे। तो 1898 में अंग्रेज सेनापति था ये किचनर फेशोदा, इसकी तरफ बढ़ा किचनर और दूसरी तरफ जो है फ्रांसी सेनापति मार्श भी पहुंच गया। इससे दोनों देशों के मध्य युद्ध की संभावना बढ़ गई और अंत में फ्रांस ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और अंग्रेजों से समझौता कर लिया। इस प्रकार सूडान में ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका की समस्या हुई।
दक्षिण अफ्रीका, ये 1652 में डचों ने दक्षिण अफ्रीका में ये केप कॉलोनी की स्थापना की थी डचों के द्वारा। और दक्षिण अफ्रीका में बसने वाले डचों को ये बोवर कहा जाता था। वे अंग्रेज़ों को घृणा की दृष्टि देखते थे और 1815 के आसपास जो है अंग्रेज़ों ने भी केप कॉलोनी में बसना शुरू कर दिया था। प्रारंभ में डचों और अंग्रेज़ों में काफ़ी कोई संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन जब अंग्रेज़ों की संख्या बढ़ने लगी तो डचों को आशंका पैदा हो गई। अंत में जो है 1836 में डचों ने केप कॉलोनी को छोड़ दिया और समीपवर्ती ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल, नेटाल इन इलाकों में जा बसे वो। और 1879 में अंग्रेज़ों ने डचों से ट्रांसवाल छीन लिया। इस पर 1881 में अंग्रेज़ों और बोहरों में युद्ध हो गया, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए। उन्होंने बोहरों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली और ट्रांसवाल को भी स्वतंत्र कर दिया। फिर 1881 में ट्रांसवाल के कुछ इलाकों में सोने की खानों का पता लगा। इससे बहुत से अंग्रेज वहाँ जा करके बसने लगे, जिससे बोहर लोग उन्हें आशंकित होने लगे। अंग्रेज़ों को प्रेरित करने वाला व्यक्ति था ये सेसिल रोड्स। यह युवावस्था में इंग्लैंड से आकर के दक्षिण अफ्रीका में बस गया और भाग्य से उसे जो है सोने की खानों का पता चल गया। उसने अपार संपत्ति इकट्ठी कर ली और 1890 से 1896 तक वह केप कॉलोनी का प्रधानमंत्री भी रहा। वह चाहता था कि अंग्रेज ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट पर अधिकार कर ले, और उसकी प्रेरणा से डॉक्टर जेम्सन ने ट्रांसवाल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन बोहरों ने उसे बुरी तरह से हरा दिया। और 1899 में अंग्रेज़ों ने दोबारा आक्रमण किया, इस पर बोहरे हार गए और मई 1902 में दोनों पक्षों में संधि हो गई, जिसके अनुसार ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट ये अंग्रेज साम्राज्य के अंग बन गए। और 1909 में जो है ब्रिटिश सरकार ने ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट, केप कॉलोनी, नेटाल, इसको जो है यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से एक राज्य के अंतर्गत संगठित कर लिया। इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका की समस्या। फिर अफ्रीका में जो है फ्रांसीसी साम्राज्य, अफ्रीका में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित हुआ। अब अफ्रीका में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित हुआ तो फ्रांस ने धीरे धीरे अफ्रीका के कई महत्वपूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया, महत्वपूर्ण प्रदेशों पर। 1847 में उसने अल्जीरिया पर अधिकार किया। अल्जीरिया के पूर्व में टूनिशिया का प्रदेश था। फ्रांस और इटली दोनों ही इसे हासिल करना चाहते थे, लेकिन बिस्मार्क से प्रोत्साहन पाकर के 1881 में फ्रांस ने ट्यूनिशिया पर अधिकार कर लिया। और पश्चिमी अफ्रीका में उसने सेनेगल और नाइजर नदियों की घाटी में अपना विस्तार किया। फ्रांस ने गायना, आइवरी कोस्ट, फ्रेंच कांगो, सहारा के नकली स्थान पर भी अपना नियंत्रण कायम कर लिया। और 1904 में इंग्लैंड के साथ समझौता हो जाने के बाद फ्रांस ने मोरक्को को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। और 1896 में मेडागास्कर द्वीप पर अधिकार हो जाने से फ्रांस की स्थिति और भी मजबूत हो गई। फिर जर्मनी उपनिवेश भी बसे यहाँ पर। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क ये उपनिवेश स्थापना के पक्ष में नहीं था, क्योंकि इससे इंग्लैंड से संबंध बिगड़ने की आशंका थी। लेकिन जर्मनी के ये औद्योगिक विकास और बढ़ती जनसंख्या के निवास और राष्ट्रीय गौरव की वृद्धि के लिए बिस्मार्क को भी अंत में उपनिवेश स्थापना पर ध्यान देना पड़ा। और 1884 से 1890 के मध्य उसने जो है अफ्रीका में टोगोलैंड, कैमरून, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका पर अधिकार कर लिया, और इसके लिए उसे कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। फिर इटली का साम्राज्य भी स्थापित हुआ। अफ्रीका में इटली को काफ़ी समय बाद कुछ सफलता मिली। 1883 में उसने लाल सागर के किनारे के प्रदेश में एरिस्ट्रिया नामक उपनिवेश की स्थापना की। इसके बाद जो है पूर्वी सोमाली लैंड के कुछ भाग पर अपना साम्राज्य बना लिया, लेकिन इसके मध्य में जो है अबिसिनिया का स्वतंत्र राज्य था। और 1896 में इटली ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया, परंतु ये अडोवा के युद्ध में अबिसिनिया ने इटली को हरा दिया और उसकी प्रगति को रोक दिया। इसके बाद इटली ने ट्रिपोली और उसके आसपास के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। फिर पुर्तगाल भी आया। पुर्तगाल जैसे छोटे से देश ने भी अफ्रीका में अपने उपनिवेश बसाए। उसने अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अंगोला का उपनिवेश और पूर्वी तट पर मोजाम्बिक ये उपनिवेश बसाए। अफ्रीका के गिनी तट पर भी इसका नियंत्रण हो गया। स्पेन भी आया फिर अफ्रीका में। अफ्रीका की लूज कड़ोस में स्पेन भी पीछे नहीं रहा। उसने अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर कुछ प्रदेश प्राप्त किए और 1906 में उसने जो है जिब्राल्टर के सामने के समुद्री तट पर
पैर रखने का अवसर मिल गया उसको। तो इस प्रकार से जो है ये यूरोपीय देश, ये ऊपरी राज्य मिलकर के जो है अफ्रीका का बंटवारा कर दिया इन्होंने। अब इसके क्या परिणाम निकले, जो साम्राज्यवाद का जो विस्तार हुआ, यूरोपीय देशों ने जो साम्राज्यवाद किया, अब उसके क्या परिणाम सामने आए। साम्राज्यवाद के परिणाम साम्राज्यवाद के परिणामों में